वित्त मंत्री ने उपभोक्ताओं के बीच मांग बढ़ाने से लेकर उद्योग जगत को भी राहत देने के उपाय किए हैं। पिछले कुछ महीने में ऑटोमोबाइल सहित कई अन्य उद्योगों की बिगड़ी हालत को देखते हुए वित्त मंत्रालय को ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, लिहाजा आपको बताते हैं आखिर वो कौन से 10 बड़े कदम हैं जो मोदी सरकार उठा रही है। सस्ते होंगे होम और ऑटो लोन। बैंकों ने RBI द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। इसके लिए वो रेपो रेट या एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन प्रोडक्ट्स पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। RBI की ओर से ब्याज दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को देने पर सभी बैंक सहमत हो गए हैं। वे होम, ऑटो और अन्य लोन पर EMI घटाएंगे, जिससे ग्राहकों को अब होम और ऑटो लोन सस्ता मिलेगा। 30 दिनों में GST रिफंड। GST रिफंड में देरी के कारण कारोबार में मुसीबत झेलने वाले कारोबारियों को वित्त मंत्री ने राहत दी है। तमाम लंबित GST रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अब भविष्य में GST रिफंड का भुगतान 60 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। BS4 वाहनों पर राहत। जिनके पास BS4 मानक वाला वाहन है वो उसका इस्तेमाल उस रजिस्ट्रेशन पीरियड तक कर पाएंगे। यही नहीं, मार्च 2020 तक खरीदे के BS4 मानक वाले वाहन मान्य होंगे। वाहनों के भारी भरकम रजिस्ट्रेशन शुल्क को अगले साल जून तक के लिए टाल दिया गया है। बैंकों को मिलेगी 70,000 करोड़ की पूंजी। केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालेगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बैंक अधिक से अधिक लोन बांट सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि बैंकों में 70,000 करोड़ की पूंजी डालने से वित्तीय व्यवस्था में 5,00,000 करोड़ रुपए आएंगे। आयकर नोटिस का जल्द निपटारा। तमाम आयकर नोटिस का निपटारा 3 महीनों के भीतर करना होगा। और आसान होगी GST प्रणाली। वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को और आसान करने का संकल्प लिया है, ताकि करदाताओं को सहूलियत हो। सभी पेंडिंग GST रिफंड 30 दिनों में चुका दिए जाएंगे। भविष्य में सभी GST रिफंड 60 दिन में ही निपटाने होंगे। रिफंड प्रोसेस की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। कर विभाग द्वारा उत्पीड़न पर लगेगा ब्रेक। वित्त मंत्री ने कर अधिकारियों द्वारा करदाताओं के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया है। पुराने टैक्स नोटिस पर 1 अक्टूबर तक फैसला लेना होगा। 15 दिनों में मिलेंगे लोन डॉक्यूमेंट्स। सरकारी बैंक ग्राहकों को लोन बंद होने के 15 दिनों के भीतर लोन डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे। सुपर रिच पर बढ़ा सरचार्ज वापस। बजट के दौरान सुपर रिच पर बढ़ाए गए सरचार्ज को वित्त मंत्रालय ने वापस लेने का फैसला लिया है। इससे FPI और घरेलू निवेशकों को राहत मिलेगी और पूंजी बाजार में आय सुस्ती दूर होगी।